सही कहा, ये तो मैंने सोचा नहीं था। ठीक है, अभी बनाता हूँ। आज से मैं सोने के महल में रहूँगा। चलो। ये देखो कमाल, इस पत्थर का कमाल देखो। मेरा महल सोने का है। मैं आज से सोने के महल का राजा हूँ। इस पत्थर से सिर्फ पत्थर को ही सोने का बना सकते हैं, लकड़ी या किसी और चीज को नहीं बना सकते। अब मैंने सोचा था कि आपसे कहूँगी, हमारे इस लकड़ी के पलंग को भी सोने का बना दीजिए। अरे नहीं रानी, ये नहीं हो सकता है। इस पत्थर में इतनी क्षमता नहीं है। क्षमता नहीं है तो क्या हुआ महाराज, क्षमता बढ़ा लीजिए। जिसने आपको ये पत्थर दिया है उससे कहिए इसकी क्षमता बढ़ाने के लिए। बिल्कुल सही कहा तुमने। मैं एक राजा हूँ, जो कहूँगा वही होगा। मंत्री बुलाओ, उस लड़के को बुलाओ। ये पत्थर तो मेरा नहीं है महाराज, ये तो मुझे साधु बाबा ने दिया। मैं इसकी क्षमता कैसे बढ़ाऊं? जिसने तुझे ये दिया है उसे जाके पकड़। तू कैसे इसकी क्षमता बढ़ाएगा, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तू सिर्फ इतना जान ले, अगर तू 3 दिन के अंदर इस पत्थर की क्षमता को नहीं बढ़ा पाया तो फिर मैं तेरे माँ बाबा को कैद करके पूरी जिंदगी के लिए कारागार में डाल के रखूंगा। समझ गया? जा। उसके बाद से मैं उन साधु बाबा को ढूंढ रहा हूँ। अगर 2 दिन के अंदर मैं उन्हें नहीं ढूंढ पाया तो मैं अपने माँ पापा को जिंदगी भर के लिए खो दूंगा। क्या हुआ? मत रो, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। हम सब मिलकर उस साधु बाबा को ढूंढ कर निकालेंगे। अब तुम घर जाओ, कुछ खा पी कर आराम करो और शाम को झमझम ब्रिज के ऊपर आकर मिलना। उसे ये पत्थर छोड़कर जाने को कहो। हाँ, और सुनो, तुम ये पत्थर हमारे पास छोड़कर जाओ। और अगर हमने साधु बाबा को ढूंढ लिया तो हम लोग इस पत्थर की क्षमता को बढ़वा लेंगे। तुम हम लोगों पर भरोसा कर सकते हो। ठीक है, ये लो। जिस साधु बाबा को हमने पहले कभी नहीं देखा है उन्हें हम लोग कैसे ढूंढ पाएंगे भूतू? लेकिन हमें उस साधु को ढूंढना ही पड़ेगा। तुम लोग एक गलती कर रहे हो, साधु बाबा को ढूंढना ये हमारा असली काम नहीं है, बल्कि पत्थर की क्षमता को बढ़ाना ही असली काम है। लेकिन उस साधु बाबा के बिना इस पत्थर की क्षमता और कौन बढ़ा सकता है? क्यों है ना हमारी भूतू? नहीं रे गोलू, सब कुछ जादू से नहीं कर सकते हैं। साधु बाबा ने बहुत तपस्या करके इस पत्थर को हासिल किया है, इसके ऊपर भगवान का आशीर्वाद है। पत्थर पे कुछ भी बदलाव नहीं किया जा सकता है गोलू। तो फिर अब क्या होगा? मोनू शाम को बहुत उम्मीद लेकर आएगा। मुझे एक तरकीब सूझी है, मुझे तो कोई देख नहीं पाता है तो मैं इसी मौके का फायदा उठाऊंगी। बताती हूँ, सुनो। तो अब सब लोग घर चलते हैं और हम सब शाम को झमझम ब्रिज पर मिलते हैं। क्या कहा तुमने, साधु बाबा को ढूंढ लिया? कहाँ है वो? साधु बाबा तो हिमालय चले गए तपस्या के लिए। तो फिर अब क्या होगा, मेरे माता पिता का क्या होगा? अरे पूरी बात तो सुन लो पहले। साधु बाबा जाने से पहले इस पारस पत्थर की क्षमता को बढ़ा कर गए हैं और कहा है कि इस पारस पत्थर से महाराज जिस किसी को भी छुएंगे वो सोने का बन जाएगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, अब मैं चलता हूँ। भूतू, तू पहली बार अकेली जा रही है, जरा संभल के जाना। तुम लोग चिंता मत करो, मैं काम खत्म करते ही लौट आऊँगी। अब मैं चलती हूँ। संभाल के भूतू, हम सभी लोग तेरा यहाँ इंतजार करेंगे।
वो तो सही कह रहे हैं ना, ये पत्थर जिस चीज को भी स्पर्श करेगा वो सोने का बन जाएगा। हाँ महाराज, साधु बाबा ने खुद इस पत्थर की क्षमता बढ़ाई है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ठीक है ठीक है ठीक है, अब तू जा। पर तूने जो कहा वो काम नहीं हुआ तो मैं तुझे सूली पे चढ़ा दूंगा। इतना बदमाश राजा है ये, पत्थर मिल जाने के बाद भी छोटे बच्चे को ऐसे डरा रहा है। रुक जा, अभी इसे सबक सिखाती हूँ। महाराज, ये लड़का झूठ बोल रहा है। अगर ये पत्थर हर चीज को सोना बना सकता है तब तो इसने खुद इस पत्थर को पकड़ रखा है, पर ये तो सोने का नहीं बना। आपने भी पकड़ा, पर आप भी सोने के नहीं बने। सही कहा सही कहा। क्यों रे बच्चे, तेरे अंदर तो बहुत हिम्मत है। देखो, तुम इनसे कहो कि ये पत्थर सूरज ढलने के बाद ही काम करता है। ये किसने कहा? महाराज, ये पत्थर सूरज ढलने के बाद ही काम करता है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर तेरी मौत पक्की है। ये क्या हुआ, इतना सारा खाना सोने का बन गया? तो फिर मेरा बिस्तर भी सोने का बन जाएगा। चलो चलो चलो, जल्दी से चलो। आहा, क्या कर रहे हो, पलंग को सोने का बनाओ। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं करूँगा। अपने प्यारे पलंग को तुम अपने हाथों से सोने का बना लो। अकड़म बकड़म मकड़म। महारानी महारानी, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ महारानी? अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं? मंत्री को बुलाता हूँ, मंत्री को बुलाता हूँ। मंत्री, क्या हुआ महाराज, आप रो क्यों रहे हैं? ये देखो महारानी कैसे सोने की बन गई है। तुम अभी जल्दी से कोई उपाय सोचो, जल्दी उपाय सोचो। लेकिन ये सब कैसे हुआ महाराज, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। महारानी कह रही थी लकड़ी के पलंग को सोने का बना दो, तो मैंने कहा अगर तुम्हें इतना ही शौक है तो तुम ही खुद अपने हाथों से बना दो, खुद बना दो। ये कहकर मैंने इस पत्थर को महारानी के हाथों में दे दिया, बिल्कुल ऐसे।